दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है। वीडियो शुरू होने से पहले आपने राजस्थान की लोक संस्कृति देखी होगी, यानी मारवाड़ का गैर्ध नृत्य आपने देखा होगा। तो बताना चाहूंगा कि मैं इस समय मारवाड़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक मेला यानी बाण गंगा मेला, नौ सती का मेला बिलड़ा में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लगभग दो साल कोरोना काल के बाद ये तीसरी साल अब की बार ये मेला भरा। हालांकि मेला जिस रूप में भरना चाहिए थे वो इस बार शायद इस मेले की रंगत इस बार नहीं देखी गई, लेकिन मेले में जो घेरिया है बिलड़ा एवं खारिया मीठापुर की जो दो घेरे आती है उनका नृत्य आकर्षक था। ये अलग बात है कि एक जमाना वो हुआ करता था जब इस नौसती माता के इस ऐतिहासिक मेले में घेरों की धूम रहती थी, यानी चप्पे चप्पे पे पांव पांव पर या विभिन्न गांव की गांव से ही घेर हुआ करती थी। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, अलग अलग ट्रेड होने के बाद अब एक नाम मात्र का ये मेला रह गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो साल कोरोना काल के कारण ये मेला बंद था, लेकिन इस बार बिलड़ा नगर पालिका द्वारा इस मेला का भव्य आयोजन किया गया है। तो बहरहाल आप इसमें देख सकते हो कि जो बिलड़ा की जो घेर है, जो खारिया मीठापुर की जो घेर है, आकर्षक नृत्य करिए। बड़ी संख्या में यहाँ भाई लोग मौजूद है। भाई साहब से नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम महेंद्र है सर। महेंद्र जी, निवासी कहाँ के हो आप? मैं बिलड़ा तहसील का ही हूँ, वैसे निवासी तो घाणा मंगरा गाँव है। आपको नहीं लगता कि इस बार मेले की कुछ रंगत फीकी? एक जमाना वो हुआ करता था जिस समय आप अपने दादाजी के साथ आते थे, अपने पिताजी के साथ आते थे, कुछ परिवर्तन लगा आपको? परिवर्तन बहुत लगा। जब पहले छोटे थे तो भीड़ खूब हुआ करती थी, अब मेले में वो रंगत नहीं रही जो पहले वाली थी। अब भीड़ भी कम हो गई, घेरे भी कम आ रही है, और दो साल ये कोरोना काल में भीड़ काफी कम हो गई है। एक भाषा और है, इनका भी नाम जाना। हाँ भाषा, क्या नाम है? राम राम गुरु। राम राम गुरु, क्या गांव आया? लांबा गांव। भाषा में मारवाड़ी में जानी चाहूँ, मेलो पहला जड़ो है पहले थोड़ा मोड़ो कारण कही भाषा? कारण कोरोना वजू। कोई जमाना ना माने, पहले घेरा कितनी का होती है? पहले घनी आवती, पहले घेरा घनी निकलती। हमें दो तीन घेर निकले, अबे दो घेरा ही जावे। कारण कहीं है? इनो कारण लोग झगड़ो करते हल्ला, पहला कहीं को लोग घेर के माम लड़ लेते फंटता कोने टेडी। ये अलग बात है, वो लड़ाई नहीं होती थी, वो आपसी प्रेम था और वो प्रतिस्पर्धा थी एक दूसरों में, वो हुआ करता था। ये अलग बात है। मेला का मजा ले रहे हो आप भी? ले रहे हैं। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा? रामचंद्र प्रजापति। क्या नाम है? रामचंद्र। कहाँ से आए आप? बालासती। बालासती आस पास के बिलाड़ा के लगभग 25-60-70-80 किलोमीटर की परिधि में यहाँ बड़ी संख्या में मेलार्थी आते हैं। जैसे ही सुना जाता है कि नौसती का मेला आयोजित हो, तब से यहाँ के लोग घुंघरू बांध लेते हैं। यानी कहीं मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित है कि नौ दिन पहले नहीं नाचना चाहिए, वो भी एक प्रचलित कहानी। तो बहरहाल आप देख सकते, एक महाराज जी और जिनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँ। हाँ मोदी जी है, स्वागत के मोदी जी है। तो आप देख सकते हो मोदी जी का हुलिया बराबर है। मोदी जी आपका स्वागत है। आपका भी इस मेले में आप पधारे, आपका भी स्वागत है। इस मेले की रौनक बढ़ा रहे हो आप, और ये मेले को प्रसिद्धि की ऊंचाई की ओर ले जा रहे हो आप। मोदी जी मैं जानना चाहूंगा, मेला एक जमाने में आपने पुराना मेला भी देखा होगा और आज का मेला भी, कुछ फर्क लगा? आज का मेला थोड़ा कुछ फीका है, पहले तो मेले में एक फुल भीड़ रहती थी, लेकिन अब आज इतनी भीड़ नहीं है। मोदी जी कारण जानना चाहता हूँ, क्या कारण है इसका, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये अभी लॉकडाउन का है। लॉकडाउन दो साल हुआ। आप निब्बे की बात, अपन निब्बे के दौर में चलते हैं। निब्बे के दौर वो मेला अलग था, मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा महंगाई के चक्कर में पब्लिक के पास पैसा नहीं है। हाँ क्या कह रहे, स्वागत के मोदी जी है, मोदी जी के नाम से ये पहचाने जाते हैं, हमारे भी पुराने मिलने वाले हैं। और भाई साहब रायपुर के, तो बहरहाल बताना चाहूंगा, भाई साहब से कहना चाहूंगा एक बार सामने की भी तस्वीर बताए, वो लगभग एक किलोमीटर की परिधि, 1.5 किलोमीटर की परिधि में ये बाण गंगा नौ सती का मेला ये आयोजित होता है। बिलड़ा में आयोजित होता है, बिलड़ा नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता, और बिलड़ा तहसील क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है, नौ सती का सबसे बड़ा मेला है। और मारवाड़ का भी मैं कहूंगा कि मारवाड़ का भी ये
सबसे बड़ा मेला और इस मेले में दूर दराज से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते। एक भाई साहब हो रहे, क्या नाम है आपका? कृष्णा राम। कहाँ से आना है भाई साहब? पिपार सिटी से। पिपार सिटी से। आसपास की परिधि में बहुत सारे लोग आते, आप भी मेले देखना है? मेला देखना है। मेले में कुछ परिवर्तन है? क्या परिवर्तन है आपको? आज मेला कम है। मेला कम, हमेशा की अपेक्षा में आज मेला कम है। ऐसे और महंगा भी हो गई, लोग कम आए हुए हैं यहाँ पे। पहला का मेला अलग था और आज का मेला अलग है, पहले जैसा मेला। और हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी लोक संस्कृति है, जो पुरानी परंपरा, वो वापिस जीवित हो। हाँ, वो यहाँ जीवित हो, उसके उसके लिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए और अच्छा मेला भेजना चाहिए यहाँ पे। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेला आगे आना चाहिए। भाई साहब और इनसे भी आग्रह करना, तो निवेदन करना चाहूंगा, आप नजदीक है, नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? ओपुराम। कहाँ के हो आप? मैं सो पाली। थोड़ा जोर से बोलो, पाली पाली, पाली। मेला देखना है, कुछ बेचना है? नहीं, देखने के लिए, घूमने के लिए बस। अच्छा लगा मेला? बहुत जोरदार है। क्या कमी है आपको इस मेले में? कमी कुछ नहीं, थोड़ा मिनकारी कमी है। मिनकारी कमी है? मारवाड़ी रमाने जी ने क्या करे नहीं के मिनकारी कमी है, कही है कि हिंदी भी बोला ने मारवाड़ी बोला, मिनकारी कमी है। मिनकारी कमी इन बात है कि लाड़ा दो साल वो कही है कि कोरोना की चपेट में चल गो, हो सके उन कारणों रह सके। तो बहरहाल ले इन्हें बिलड़ा हूँ हिट। मारो नाम आईबी खान, आप मैंने फेसबुक पेज माते भी देख रहा, आप मैंने जेता न्यूज यूट्यूब चैनल माते भी देख रहा। मैं अभी आप ज्यादा लंबो समय नहीं लेने, कोशिश करूँ के जो को मारवाड़ी गैर है वह गैर रो, आप नृत्य आप धूमधाम देखो और वीडियो बढ़िया लग रहे तो आप शेयर कर दो। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.
जी।